वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार तथा पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशानुसार महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह द्वारा खोराबार थाना क्षेत्र के सिक्टोर एवं झारखंडी के समीप लोगों को लॉकडाउन का पालन करने के साथ साथ कोरोना वायरस बीमारी के संबंध में जागरूक किया गया तथा उन्हें मास्क लगाने के तरीके, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने, दिन में हर दो दो घंटे पर साबुन से हाथ धुलने के संबंध में जागरूक किया गया। इसके पूर्व महिला थाना परिसर में महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह की देखरेख में भोजन तैयार कर उसको पैक कर लंच पैकेट का स्वरूप दिया गया तथा लोगों के मध्य मास्क एवं लंच पैकेट भी वितरित किया गया। इस दौरान संगीता सिंह, गुंजन यादव, उमा देवी आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह ने कहा, एक लाइन दे दो, कितने दे दो? अपने अपने घरों में रहिए, शासन प्रशासन की मदद करिए। सरकार द्वारा आपसे बार बार अपील की जा रही है कि आप लोग अपने घरों में रहिए और इस बीमारी से लड़ने में सरकार का सहयोग करिए। अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकल के ना घूमें। जो भी अनावश्यक रूप से घूमता है पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप लोग जैसे कि सर पे हेलमेट लगाना अनिवार्य है, मुंह पे मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है। बिना मुंह ढके कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। महिला थाने की टीम द्वारा लगातार नगर और देहात के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ महिला थाना की टीम द्वारा जो भी जरूरतमंद है, जिनके घर पे अभी खाना नहीं बन सकता और ऐसी स्थिति में भी नहीं है कि राशन दिए जाने के बाद भी वो भी खाना बना सके, उनके लिए महिला थाना की टीम निरंतर यहाँ पे थाने पर ही खाना बनाकर उनके घरों तक पहुँचा रही है और ये हमारा कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा।